नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है शर्मिदा। फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लपेटी रही। उसके पति राहुल को आंखें उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इस चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में रखा कर हम 4 बजे की गाड़ी वापस लौट जाएंगे, ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फोन रख कर वापिस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतबार को भी सोने नहीं देता। आप सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरी की बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनल के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ और तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सल रचना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं कि परवाह किया बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। नाने चले गए। नाने के निकल और तैयार हो सोफे पर बैठे मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि चारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आए खाए और वापस जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंख हैरानी से पट्टी की पट्टी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल ने के नहीं, उसके मम्मी पापा खड़े थे। उन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझरो, अरे क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था कि चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोके नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को माना साफ सुन गया हो गया। क्या करती बेचारी को अपने हाथों ही से बनाया अध पके और जले हुए खाने का परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खाया रह गए थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे।
आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाले उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिलाती रही है। रचना, बस मुंह नीचे किए बेटी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम में है, अभी आता हूँ, कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के चाहते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोली पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? जो अचानक रचना ने मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसकी मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी हम हो या हम उसकी मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी हर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटे जितना किसी को सम्मान दोगे उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसकी मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।